260 प्रखंडों में आजसू का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन संपन्न। पार्टी ने एक दिन में बनाए 26,000 सक्रिय सदस्य। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। सामाजिक न्याय और विकास के संकल्प के साथ गुरुवार को राज्य के सभी 260 प्रखंडों में आजसू पार्टी का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन संपन्न हो गया। इसके साथ ही सभी प्रखंडों में प्रखंड कमेटी का गठन तथा सभी अनुषंगी इकाइयों के प्रभारी की नियुक्ति भी कर दी गई। यही नहीं, आजसू ने राज्य भर में 26,000 सक्रिय सदस्य भी बना लिए। सम्मेलन में आजसू पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नए जोश और नई ऊर्जा के साथ संगठन को और सुदृढ़ करने तथा राज्य सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध आंदोलन करने को लेकर रूपरेखा तैयार की। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने स्वयं की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया। सम्मेलन के दौरान सभी सदस्यों ने आजसू पार्टी के भावी कार्यक्रमों तथा राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन को सफल बनाने पर चर्चा की। प्रखंड सम्मेलन के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को उनका हक और अधिकार दिलाने के आजसू पार्टी के मुहिम की शुरुआत हो गई। आजसू पार्टी कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का प्रखंड वार सर्वेक्षण कर रही है। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होते ही इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आजसू पार्टी आंदोलन करेगी। नए उलगुलान की शुरुआत करेगी आजसू पार्टी। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि 8 अगस्त से आजसू पार्टी राज्य में सामाजिक न्याय मार्च की शुरुआत कर रही है। आजसू पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है, यह संघर्ष से उपजी हुई पार्टी है और विपक्ष का दायित्व निभाना भी बेहतर तरीके से जानती है। कोरोना की चादर ओढ़कर राज्य सरकार ने 1.5 साल तक अपनी नाकामियों को छिपाने का काम किया है, लेकिन आजसू पार्टी इस सरकार की नाकामियों को अब जनता के बीच लाएगी, क्योंकि अगर विपक्ष चुप रहा तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी के कार्यकर्ता आरक्षण, स्थानीयता, बेरोजगारी, शिक्षा और संसाधनों के दोहन के खिलाफ 8 अगस्त से झारखंड के हर कोने में मोर्चा खोलेंगे। आदिवासी हितों के साथ हो रही खिलवाड़ के खिलाफ आजसू पार्टी आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त को झामुमो महागठबंधन सरकार को आईना दिखाएगी। प्रखंड सम्मेलन की सफलता के बाद आजसू पार्टी 15 सितंबर को राज्य में होने वाले जिला सम्मेलन की तैयारियों में जुट गई है।